हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शिखा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है राइस बॉल्स। बचे हुए चावल यूज़ करके हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए बॉइल्ड राइस 2 कप, अजवाइन 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, बेसन 1 कप, ऑयल 3 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड 1/2 टीस्पून, जिंजर 1/2 टीस्पून, गार्लिक 1 टीस्पून, अनियन 1/4 कप, टमेटो 1/4 कप, कैप्सिकम 3 टेबलस्पून, कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल करने के लिए और टमेटो केचप 1/4 कप। तो चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम पानी डाल के रखेंगे, इसे हमें बॉयल कर लेना है। और जब तक ये बॉयल हो रहा है हम राइस बॉल्स की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं राइस। आप चाहे तो बचे हुए चावल यूज़ कर सकते हैं, वरना अलग से बॉयल करके भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन, इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। इसे हमने ऐड कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि हमारी राइस बॉल्स का कलर अच्छा आए, हल्का सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको बहुत स्पाइसी खाना पसंद है आप इस स्टेज में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन ताकि अच्छी तरीके से हमारी राइस बॉल्स बाइंड हो जाए। और थोड़ा सा पानी यूज़ करके हम इसे अच्छी तरीके से बाइंड कर लेंगे। तो हमने इसे बाइंड कर लिया है और पानी भी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस बना के हम इन्हें यहाँ पानी में बॉयल करेंगे। आप चाहें तो राइस बॉल्स को फ्राई करके भी बना सकते हैं, पर मुझे बनाना था एक हेल्दी रेसिपी तो मैं यहाँ इन्हें पानी में ही बॉयल कर रही हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस ही हम बनाएंगे और उन्हें कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए पानी में अच्छे से बॉयल। आप देख सकते हैं स्टार्च अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। इसे और 2-3 मिनट तक कुक करेंगे। अब ये कम्प्लीटली कुक्ड है, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें निकाल लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें ठंडा होने देंगे। फिर हम इन्हें इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और अब हम करेंगे इन्हें सौते ताकि एक अच्छा और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो। तो मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, इसे गर्म होने देंगे। राइस बॉल्स का जो स्टॉक बचा था उसे मैंने रख के रखा है, जिसे हम बाद में ऐड करेंगे इस ग्रेवी में। तो तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा गार्लिक। मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं यहाँ ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से कर लेंगे सौते। और फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं फाइनली चॉप्ड अनियंस। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ताकि हमारी सारी वेजिटेबल्स फाइनली कुक हो जाए। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़े फाइनली चॉप्ड टमेटोज। ये एक बहुत ही फिलिंग और हेल्दी ब्रेकफास्ट है और ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें राइस बॉल के पीसेस को ऐड कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हमने एक बहुत ही फिलिंग और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। इसके स्टॉक को भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे इसमें काफ़ी सारा टमेटो केचप, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, जिसे हमने बारीक काट के वॉश करके रखा है। इन सभी को कर लेंगे मिक्स। दैट्स इट, ब्रेकफास्ट इज रेडी। इसे करेंगे सर्व। ये बहुत ही फिलिंग और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, इसे ज़रूर ट्राई करें। और सर्व करने से पहले आप चाहे तो थोड़ी सी धनिया पत्ती और ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, रेडी है राइस बॉल्स का टेस्टी नाश्ता। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को करिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन, हैप्पी कुकिंग।